हेलो गाइस, वेलकम बैक बीसीसी रखाई। तो आज हमारे चैनल बीसीसी रखाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 3 से हल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी ऑल कर देंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 जो त्रिकोणमिति का काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत अधिक क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 यानी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक नंबर। क्वेश्चन 3 का क्या देखेंगे? एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मान निकालिए, देखिए ये है, इसको ऐसे भी आप सूत्र इसका जानते हैं, पिछले कक्षाओं में या पिछले वीडियो में इसको बता दिया गया हुआ है कि ये सूत्र जो है कितने आसानी से निकल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको वीडियो में, इसी वीडियो में उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको आप देख सकते हैं या उस साइट पर जाइएगा बीसीसी रखाई में, उसमें हमारा साइट मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल आसान तरीका से इस टाइप का सूत्र हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 3 का 1 में क्या दे रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आप आसानी से इसको हल करेंगे, ठीक है। वीडियो चल रहा है, फ्रेश भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हल करने का तरीका क्या है, इसको या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें। इसमें भी बटा में है तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, यानी कहने का मतलब ये किसी एक को चेंज करेंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा, आपका दोनों मान निकल जाएगा और आंसर भी आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहां जो दे रखा है इसका मान निकलना है तो इसको आप चेंज करिए, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 90, यहां देखिए साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर 90, अब कितना 90 में से कितना घटाओगे कि 63 आएगा, तो यहां देख लो 90 में से आप 63 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा, यानी 90 में से कितना घटाइएगा कि 63 आएगा। तो 63 को घटा देंगे इसको तो पता चल जाएगा कितना घटाना है, 10 में से 3 गया 7 और यहां बच गया 8 में से 6 हो गया 2, ठीक है। कितना घटाओगे, 27 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 63 डिग्री आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना घटाना है, 27 को घटा दीजिए 27, इसको सेम लिख दीजिए प्लस है तो प्लस, यानी साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा इसको देखिए, अब इसको भी क्या करोगे, कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे कि आपका 17 आ जाए, तो 90 में से 17 घटा दीजिए पता चल जाएगा 3, 8 में से 7 कितना घटाओगे, 73 घटा दोगे तो आपका आसानी से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी 90 माइनस 73 घटा दोगे आसानी से आपका 17 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 है तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आप दे दीजिए, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो ये जो है आप आसानी से देख लीजिए, आपके सामने भी है। तो यहां दे रखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं आपको ये भी बताया गया होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। यही ना मैं बता रहा था कि वीडियो के, इसी वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। या अगर आपको दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा विजिट कर लीजिए, हमारे चैनल पे ये दिया हुआ है, एकदम निश्चित तरीका से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बिना रटे हुए, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी ये ले लेंगे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका बराबर हो जाता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो यहां देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन बदल जाता है किस में, कॉस में, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए कॉस स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या है, देखिए यहाँ थीटा था तो थीटा लिख दिए, थीटा के जगह पर क्या है 27 है तो आप 27 डिग्री लिख दीजिए, प्लस इसको सेम है तो सेम दे दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, यहाँ क्या कह रहा है
कि कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कोस स्क्वायर बदलता है कोस थीटा माइनस कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस बदलता है साइन, यहाँ थीटा कोस जाके साइन में हो जाता है और थीटा की जगह पर लिख देते हैं कोस, यानी साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर 73 डिग्री प्लस है कोस स्क्वायर, इसको दे दीजिए 73 डिग्री, ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, यहाँ ये भी जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको आप चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखोगे तो इसका मतलब 1 होगा, चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि प्लस में, अगर माइनस में है तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है, प्लस में इधर आप लिख सकते हैं इसको। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो देखिए, तो कॉस स्क्वायर मान लीजिए ये थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर मान है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, या देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 73 को आप थीटा के बराबर मान लीजिए क्योंकि एक ही बराबर है, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब 1 से 1 में भाग देंगे कितना आ गया 1, आपका ये क्या रहा आंसर रहा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, तो आप उसी हिसाब से इसको क्या करिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखने का कोशिश करिए, देखिए आपको एकदम निश्चित है कि समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग प्रश्न अब 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए मिटा देते हैं, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर कितना 2 नंबर, 3 का 2, प्रश्न नंबर 3 का 2, 3 का 2 में क्या कह रहा है कि इसमें साइन 25, साइन 25 डिग्री, यहां देखिए यहां कोस दिया तो यहां इंटू, इसको दशमलव दे सकते हैं, दशमलव मतलब यहां इंटू का मतलब गुना, कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री प्लस इंटू है, इंटू इंटू मतलब गुना साइन 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल आसान तरीका से आप इसको भी बनाएंगे, सेम वही क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। आइए अब यहां देखिए, इसको एक किसी को बदले, इसको बदल दीजिए और इसमें इसको बदल दीजिए, ठीक है। तो साइन 90 में से आप कितना घटाओगे कि 25 आ जाएगा, तो वही काट करिए, 90 में से आप पहले 25 घटा दीजिए, देखिए पता चल जाएगा, 25 घटाएंगे तो 5 या 8 में से 2 गया 6, कितना घटाओगे 65 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, साइन 90 में से, साइन 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, इंटू कॉस सेम लिख दीजिए कॉस 65 प्लस, यहां देखिए कॉस 25, यानी 90 में से कितना घटाओगे कि 25 आएगा, तो 25 घटा दीजिए पता चल जाएगा 5 या 6 कितना 65, तो कॉस 90 माइनस 65 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा कोस 25 आ जाएगा, घटा के देख लीजिएगा आप, आई इंटू साइन जो है साइन 65 को 65 लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये अब यहाँ देखिए सेम यही फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, देखिए तो थीटा के जगह पर क्या है 65, तो साइन 90 माइनस थीटा साइन बदलेगा तो किस में चल जाएगा कोस 65 डिग्री, ठीक है। इंटू है, इंटू मीन्स यहाँ गुना दे सकते हैं आप, इंटू मीन्स क्या होता है गुना होता है, उसके बाद यहाँ कोस 65 का 65 आप लिख सकते हो प्लस, यहां देखिए अब यहां क्या है आपका कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कोस के जगह पर यहां जो है यहां साइन बदल गया, साइन में आ गया तो साइन आप लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर आपका क्या है 65, तो 65 यहां इंटू मतलब गुना साइन 65 डिग्री, ठीक है। कोई आपको दिक्कत नहीं ना है, थोड़ा सा देख लीजिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फ्रेश दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अब यहां देखिए एगो कोस एगो कोस गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 कोस का स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन है तो साइन 65 गुने साइन 65, एगो साइन और एगो साइन, दो गो साइन, यानी साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी ये कितना के बराबर हो गया
वन के बराबर आपका कितना आंसर हुआ, वन आंसर हुआ। देखिए किस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको इसी हिसाब से आप क्या करिए, क्वेश्चन को बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन को आराम से आप हल करने का कोशिश करिए, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल ये समझ में आ गई होगी आपको, एकदम इजी क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन नंबर जो है चार का देखेंगे, चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्योर ऑब्जेक्टिव है टोटल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑप्शन वाइज यानी ऑप्शन दे देता है, उससे देखकर इसको टिक लगाना है कि ये क्वेश्चन कौन सा इसका आंसर रहा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर चार को देखते हैं, चार का एक दो, ठीक है, चार का जो है एक दो तीन आप करके इसको देखेंगे, ठीक है, वीडियो चल रहा है इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलिए आइए। अब क्वेश्चन नंबर चार जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है, सही विकल्प चुनना है और उसको पुष्टि भी करना है कि सही कैसे आप बताइए। तो यहां देखिए नौ आपका सेक स्क्वायर ए माइनस नौ टेन स्क्वायर ए, ठीक है, नौ टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, ऑप्शन में आपका दे रखा है एक में, देखिए ए में दिया है एक, बी में दिया है आपका नौ, सी में दिया है आपका आठ और डी में आपका दिया हुआ है कितना जीरो, ठीक है। इसको हल करके आपको बताना है कि आंसर इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसको आपको देख के बताना है, ठीक है। तो यहां एक नौ आठ जीरो इसमें कौन सा होगा, ठीक है, ये इसमें देखिए आप कौन सा होगा, ठीक है, वीडियो चल रहा है, चलिए आइए। अब यहां जो है आप देखिए, यहां आप देखते हैं कि इसमें सॉरी यहां कुछ नहीं है, यहां नौ से, ठीक है ना, नौ क्या है, हाँ नौ से स्क्वायर ए माइनस नौ टेन स्क्वायर ए, ठीक है, यहां कुछ नहीं। आइए अब इसमें भी देखिए नौ है यहां भी और यहां भी नौ है, दोनों में नौ है, तो आप चाहोगे तो यहां नौ अकेले हम कॉमन नहीं ले सकते, अगर नौ यहां कॉमन ले लेंगे तो इस नौ से इस नौ को काट देंगे, बच गया एक। अब एक में सेक से गुना करोगे सेक स्क्वायर ए, तो इसका मतलब एक छिपा हुआ है यहाँ, माइनस है तो माइनस, इस नौ से नौ को काट देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है यार। नौ यहां रहेगा, अब आप ये जानते हैं ये फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितने के बराबर होता है, एक के बराबर होता है, यानी गुना एक, नौ में एक से गुना करोगे नौ, ये आपका क्या रहा आंसर। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका ठीक है, ये क्या रहा आपका आंसर रहा, ठीक है, बिल्कुल आसान है, देख लीजिए आपके सामने है। चलिए ये बीबीआई क्वेश्चन है, ये मस्ट इंपोर्टेंट आपका है, ऑब्जेक्टिव में लगभग बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए है, ठीक है, एक नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार आपका आया हुआ है, तो ये आपको इसको आसानी से देखेंगे, बिल्कुल आसान भी है और एक नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन दो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दो देखा जाएगा, क्वेश्चन दो क्या कह रहा है इसमें देखिए, यानी वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, कोस्ट वन या वन प्लस कोस थीटा, वन प्लस कोट थीटा, कोस नहीं, वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसमें भी देखना किसके बराबर है। ऑप्शन में यहां देखिए ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए में जीरो, बी में आपका दिया हुआ है एक, सी में दिया है दो, डी में दिया है आपका माइनस एक, ठीक है। अब इसमें से आंसर कौन सा होगा आपका, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, क्या है इसको आपको देख के बताना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, वन है तो वन रहने दीजिए इसको, टेन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि साइन थीटा अब बटा कोस थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस यहां है सेक थीटा बराबर वन बटा कोस थीटा, ठीक है, ये आप जानते हैं ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यहां देखिए वन प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा,
ठीक है, यहां माइनस है तो माइनस कोसेक थीटा बराबर वन बटा साइन थीटा, वन बटा साइन थीटा, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये देखिए इसमें आप क्या करोगे, आप यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहां जो है इसको बटा मान के और इसको भी बटा मान के इसका इसका एलसीएम तोड़ देंगे, तो इसका 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 एलसीएम तोड़ोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा से गुना करोगे, इससे भाग दोगे तो कॉस से बार में कटेगा, कॉस से एक में गुना करोगे तो कॉस थीटा, प्लस इसको कॉस से कम कॉस साइन थीटा, प्लस यहां कॉस से कम कॉस वन, ठीक है। यहां फिर देख लीजिए, यहां साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे तो एक साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन कट जाएगा वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब देखिए इसको जो है आप क्या करिए, यहां ये देखिए कि इसको इसको क्या करेंगे आप, थोड़ा सा देख लीजिए, यहां जो है इसको चाहे तो यहां अलग अलग कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, यहां इसको ऐसे कर सकते हैं प्लस वन, इसके बटा में यहां कॉस थीटा, समझने के लिए, बेहतर से समझने के लिए इसको ऐसे किए हैं। यहां भी आप चाहोगे तो इसको ऐसे कर सकते, यहां गुना दे दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख के माइनस वन, अब बटा यहां क्या कर सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा है, साइन थीटा है ना, साइन थीटा आप लिख दीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से आप देखिए। अब देखिए एक इसको गुना, यहां का मतलब गुना कि इसको और इसको आप गुना करोगे, ठीक है, तो ये देखो सेम एक ही जैसा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ये रहा कि इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है, तो इक्वेशन है, इक्वेशन दो इक्वेशन, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एगो एगो दो गो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एगो एगो दो का होल स्क्वायर, यहां अगर गुना करते हो इसमें और इसमें गुना करते हो तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आपको आसान है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप इधर देखिए, ठीक है, इधर देखेंगे, यहां देखो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए मान लीजिए इसको और बी मान लीजिए इसको, ए इसको और बी इसको, तो यहां देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू सूत्र में ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आप सेम लिख दीजिए, ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, ठीक है, वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी चल रही है फ्रेश। आइए तो यहां देखिए, अब यहां ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह रख दीजिए, इसको और इसको, प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस वन बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसके पहले भी मैं हल कराया था, उसमें बताया था आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है, वन, इतना का मतलब कितना हो गया, वन हो गया, प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन, अब बटा में है ये तो बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए, अब यहां प्लस में है ये माइनस में, तो इसे कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये कॉस से कॉस कर दो, कॉस से कॉस बटा में तो कट जाएगा आसानी से, यानी बचा कितना टू, आपका ये क्या रहा आंसर रहा। अब ऑप्शन में देखिए कौन आपका सही है, ऑप्शन ए बी ऑप्शन में देखिए आपका कौन सही कौन है, ए बी ऑप्शन में कौन सा सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही है ना, सी वाला ऑप्शन सही आपका ये दो, तो आप क्या करेंगे टिक लगा देंगे इसको ऐसे, ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा आसानी से, देखिए कोई भी चीज इंसान करता है, इंसान ही से हर कुछ है, संभव इंसान ही कर सकता है, तो आप भी इंसान है, इसको देखिए कोई बेस्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस करोगे तब तो, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, देख लीजिए, विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेहनत करिए, लेबर नेवर गोज वेस्ट, परिश्रम कभी बेकार नहीं होती, अगर मेहनत करते हो तो कभी बेकार नहीं हो सकते हो, अगर मेहनत नहीं करते हो तो कोई बातें नहीं है, बेकार ही बेकार रहना ही है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा परिश्रम करिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, बिल्कुल आप सही हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न, यानी चार का कितना नंबर है, तीन नंबर क्वेश्चन, चार का तीन नंबर, यहां देख लीजिए, चार का तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस, सेक ए प्लस, सेक ए प्लस टेन ए, इसको इंटू वन प्लस साइन ए, क्या है, वन प्लस साइन, वन माइनस साइन, हाँ वन माइनस साइन ए। आइए अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन है, इसमें ऑप्शन क्या है आपका, ए नंबर में ऑप्शन आपका ए नंबर सेक ए, बी में आपका दिया हुआ है साइन ए, सी में आपका दिया हुआ है कोसेक ए, और डी में आपका दिया हुआ है टेन ए, ठीक है, टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, वन माइनस साइन ए, देख लीजिए यहां, यहां आपका क्या है, सेक ए बराबर होता है वन बटा, यहां इसका सेक ए बराबर वन बटा कॉस ए, प्लस टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। उसके बाद इसको सेम आप रहने दीजिए, वन माइनस साइन ए को सेम रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसका इसका एलसीएम आप तोड़ते हो तो कॉस ए, ये हो गया कॉस ए, तो इसका तोड़ोगे तो यहाँ ए, ए, ए एक मर्द में प्लस साइन ए, ठीक है, सेम हो गया। अब इसको सेम क्या करोगे, वन माइनस साइन ए कर दो, ठीक है, यहाँ एक ले लीजिए, ठीक है, यहाँ जो है आप आसानी से एक ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, वीडियो भी चल रहा है आसानी से, तो यहाँ ये देख लो, ठीक है। चलिए यहां जब ये हो गया आपका, तो फिर हम करेंगे क्या, यहां एक बटा में मान के इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, चलिए इसको गुना करते हो तो आसानी से देखिए आपको गुना बता देते, इससे इससे और इससे इससे, फिर इसको इससे और फिर इसी को इससे गुना करोगे, ठीक है ना, तो एक आई एक में गुना करोगे तो एक स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, साइन में आई एक से गुना करोगे साइन ए, प्लस प्लस प्लस, साइन से आई एक से गुना करोगे साइन ए, प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ए, यहां जो फिर है क्या, एक में एक कॉस से गुना करोगे तो कॉस ए, ठीक है, यहाँ एक स्क्वायर दे दो, सेम एक स्क्वायर का एक स्क्वायर माइनस, यहां देखिए काट दीजिए इसको, तो साइन है तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर क्या, कॉस ए, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं आप कि यहां देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है, ठीक है, वन होता है। अगर कॉस स्क्वायर इधर ले लेते हैं आप कॉस स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, हो गया, देखिए यहां हो गया ना, तो इतना के जगह पे आप चाहेंगे तो इसको आराम से रख सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं आप आराम से रखते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितने के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, ठीक है। यहां अब देखिए उसके बाद कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार कॉस ए गुने कॉस ए बटा कॉस ए, ठीक है, एक कॉस एक कॉस काट दीजिए, बचा क्या आपका कॉस ए, ठीक है, क्या बचा कॉस ए बचा, तो देखिए तो कॉस किस किधर है, नहीं है इसमें, कॉस साइन वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए, क्वेश्चन ठीक है। तीन नंबर कॉस कॉस ए, सॉरी इसमें यहां ऑप्शन में दिया है कॉस ए, यहां पर कॉस ए हम लिख दिए थे टेन ए, ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन साइन सेक साइन कोसेक यहां कॉस, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर कॉस ए, देखिए कॉस ए आ गया आपका, तो ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ऑप्शन हम गलत लिख दिए थे, यहाँ साइन की जगह पर हम कॉस की जगह पर टेन लिख दिए थे, ठीक है, तो कॉस ए आपका आंसर रहा, ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसान है, वीडियो आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर चार और अंतिम इस
मतलब चार नंबर क्वेश्चन का चौथा जो है अंतिम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार नंबर एक देख लिया जाए, ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, चार का चार, चार अंतिम भी क्वेश्चन है, देख लीजिए इधर, देख लीजिए जरा, हाँ अंतिम है, अंतिम, ठीक है। चार नंबर क्या है इसमें, वन प्लस टेन ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां देखिए तो आप वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कोट स्क्वायर ए, तो आप जानते हैं एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, एक सूत्र होता है क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर ए, ये सूत्र होता है। तो हम चाहेंगे अगर तो ये जो है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर क्या रख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए रख दीजिए, इसके जगह पर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए रख दीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए सेक ए बदलोगे तो वन बटा कोस स्क्वायर ए बटा, इसको बदलोगे तो वन बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेन बटा आपका ये है, लेकिन ये मेन बटा है, ठीक है। तो इसको पलटोगे तो वन बटा कोस स्क्वायर ए गुने, इसको ले जाओगे तो साइन स्क्वायर ए बटा वन, ठीक है। तो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, आपका ये हो गया। लेकिन ऑप्शन में इसका देख लीजिए आप, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन लिखे नहीं थे लेकिन लिख देते हैं फिर। ए नंबर में देखिए क्या है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, बी में आप देखिए माइनस वन, सी में आप देखिए कोट स्क्वायर ए और डी में आप देखिए टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर कहाँ है आपका, डी में है, तो डी आपका क्या रहा, ये आंसर रहा, ठीक है। तो ये वीडियो जो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और इससे बेहतर इसके आगे वाला चैप्टर है, इससे अच्छा आगे वाला जो है पांच नंबर का, ये दस क्वेश्चन है, तो इस दस क्वेश्चन में से समझिए बोर्ड में एकदम ये छ नंबर पांच नंबर का निश्चित आता है, यही इसी टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, पढ़ोगे तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ोगे तो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, जय हिंद।